नमस्कार, आप सबका स्वागत है। जिस तरह से आप सब जानते हैं कि इस समय में बारिश का जो मौसम है वो चल रहा है, उसी को चलते हुए आज जो निर्वेश्वर मंदिर है उसकी जो दीवार है वो गिर चुकी है। आप सामने देख सकते हैं कि जो SDRF की टीम है वो यहाँ पे काम कर रही है। और सामने सुबह सुबह का टाइम था, 10 बजे का टाइम बताया जा रहा है, और ये जो छत है वो नीचे गिर चुकी है। ये विजुअल हम आपको लाइव दिखवा रहे हैं, आप देखिए किस तरह से SDRF की टीम जो है वो यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। और हम आपको बता दें ये वो प्राचीन मंदिर है जो आपको बताना चाहूँगा मैं। ये देखिए रेस्क्यू टीम किस तरह से काम कर रही है, और ये वो दीवार है जो आप दिशाएं हमने देख रहे हैं जो रास्ते में गिर चुकी है। ये सुबह का टाइम था, 10 बजे का टाइम बताया जा रहा है यहाँ पे, जब ये मंदिर की जो दीवारें हैं वो नीचे गिर हुई, और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चलाया जा रहा है। SDRF की टीम जो है बिल्कुल सामने है, आप देख सकते हैं। और देखिए किस तरह से जो ये जो बड़ी दीवार है वो नीचे आ चुकी है। ये हम आपको लाइव दृश्य मंदिर से बता रहे हैं, शालामार मंदिर जो प्राचीन मंदिर है, रणवेश्वर मंदिर जो बोला जाता है। और ये तस्वीरें हम आपको लाइव दिखा सकते हैं। ये देखिए SDRF की टीम किस तरह से जो वो काम करते हुए नजर आ रही है आपको। जो बिल्डिंग कोई ज्यादा पुरानी है और आपको लगता है क्रैक्स आए हैं उसमें खतरा हो सकता है, उसके लिए उनको जो जो टेक्निकल जो एक्सपर्ट्स हैं इस चीज़ के लिए उसे कन्फर्म कर लेंगे उसे बिल्डिंग से। सर क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से आज ये काम चल रहा है और SDRF की टीम यहाँ मौके पे पहुंची है, क्या मैसेज लेगा? हाँ जी, आज SDRF की टीम पहुंची है और ये इतना बड़ा हादसा हुआ है, क्या कहेंगे आप? मैं तो कहूँगा कि फिलहाल सब कुछ ठीक है, तो सब ठीक है, मतलब कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। हाँ, अभी जो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जो चल रहा है अभी तक किसी जानी नुकसान का अभी कोई ट्रेस नहीं मिला है, और जब तक पूरा कंप्लीट नहीं कर पाएंगे तब तक बता नहीं सकते हैं कोई नुकसान है। ऐसा बताया जा रहा है कि पहले से चेतावनी दी गई थी इसको लेके कि ये कभी भी हो सकता है कुछ, मैं उस बारे में नहीं जानता हूँ, मगर रेस्क्यू टीम आप मौके पर आई, क्या मैसेज है? रेस्क्यू जो टीम है वो अपना रेस्क्यू कर रहे हैं, अपना पहले गार्बेज क्लियर कर रहे हैं ताकि कोई ह्यूमन लाइफ किसी को नुकसान ना हुआ हो, अगर कुछ होगा तो जब तक ये पूरा क्लियर नहीं होगा तब तक कुछ नहीं। लगातार इनका कहना है कि जानकारी है कि अंदर जो है उस मलबे में कोई नहीं था, मगर फिर भी SDRF की टीम जो है वो लगातार लगी हुई है। इस वक्त जाहिर बना साहब ने जो इस वक्त शादी कितने बजे की बात है, ये कब हादसा हुआ था? 9:30 बजे आज, 9:30 बजे। देखिए मैं तो नीचे गया थोड़ा लघु शंका के लिए, सुबह से आया था ऊपर ही पूजा पाठ कर रहा था, फिर नीचे गया लघु शंका के लिए। जब मैं नीचे से ऊपर आ रहा था तो उस समय यहाँ पर एक आवाज़ आई बड़ी जोर की, मैं भागता हुआ ऊपर आया तो देखा ये गिर चुका। लगभग कितने लोग उस समय मंदिर में? देखिए 4-5 बंदे ही थे उस समय, क्योंकि बारिश लगी थी, बारिश में इतनी नहीं, यहाँ पिछले सोमवार को जहाँ भीड़ होती है ज़्यादा, तो मंगलवार को इतनी होती नहीं है भीड़, लेकिन फिर भी उसके बाद भी बारिश थी, बारिश के कारण जो थी वो भीड़ बिल्कुल नहीं थी। 4 बंदे थे वो अंदर ही पूजा कर रहे थे, बाहर कोई नहीं, बरामदे में ये भोलेनाथ की कृपा से ये है कि जानो नुकसान कोई नहीं हुआ, बाकी ये मंदिर के अंदर भी नुकसान हुआ है काफ़ी, यही जो गिरा है ये बाहर ही हुआ, अंदर कुछ नहीं हुआ। मैं अभी टाइम देना चाहता हूँ, मैं मानता हूँ कि एटलीस्ट जितनी जरूरत है मैं उसको पूरा कर।
तो आप देख सकते हैं इस समय भी रेस्क्यू ऑपरेशन है वो जो चलाया जा रहा है, एसटीआरएफ की टीम जहां मौके पे मौजूद है। तो ये लाइव तस्वीरें हम आपको रिन्वेश्वर मंदिर की दिखा रहे हैं। आप देखिए कि किस तरह से कितनी मोटी जो दीवार है वो नीचे गिर चुकी है, और सामने ये दृश्य हम आपको बता सकते हैं। और मंदिर को कोई अभी ज़्यादा बड़ा नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ दीवार है वो जो नीचे आई है, और एसटीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद थी। जी ये ना कि सिर्फ एक पर्सनल लॉस है हमारे फैमिली के, पर ये पूरे मैं मानता हूँ जम्मू कश्मीर और जितने भी वर्ल्ड वाइड श्रद्धालु आते थे कि उनके लॉस है। और वी जस्ट रिक्वेस्ट एवरीवन टू स्टे सेफ अराउंड हियर एंड नॉट टू कम टू द टेंपल राइट नाउ। तो ये तस्वीरें हम आपको फिर से बता दें, रिन्वेश्वर मंदिर की तस्वीरें हैं। और देखिए किस तरह से जो ये मोटी दीवार है वो नीचे गिर चुकी है, और एनडीआरएफ की टीम मौके पे मौजूद है। और रेस्क्यू ऑपरेशन फिर से मैं आपको बता दूं यहाँ कंटिन्यू चलाया जा रहा है, और देखा जा रहा है कोई बड़ा नुकसान ना हुआ हो। देखना आप ये होगा कि रेस्क्यू ऑपरेशन कब तक ख़त्म होता है, और ऐसी और अपडेट के साथ जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार। बड़ी डोंग बड़ी ना बहुत।